यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। इनेलो सुप्रीमो और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि इस बार प्रदेश में इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बननी तय है। जो लोग मलाई के चक्कर में सत्ता का मजा लूटने भागे थे, उनकी पार्टी में कोई एंट्री नहीं होगी। इस बार किसी भी हालत में पार्टी के साथ लोगों को जोड़कर सरकार बनाने में कार्यकर्ता पूरा सहयोग करें, ताकि समय आने पर कार्यकर्ताओं की समस्याओं को दूर किया जा सके। तो इनेलो बसपा गठबंधन की ही सरकार बनेगी, इस तरह की बात उनकी ओर से कही गई। ओपी चौटाला का ये बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हरियाणा में आने वाले वक्त में गठबंधन की ही सरकार बनेगी, इनेलो बसपा के गठबंधन की ही सरकार बनेगी। साथ ही उनका कहना है कि जो लोग पहले मलाई के चक्कर में सत्ता हथियाना चाहते थे, अब उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। और ओपी चौटाला का ये बयान सामने आया है। इसलिए उस त्याग और हताश लोगों को आपने हौसला प्रदान किया, अब उनको एक यकीन हो गया कि हरियाणा प्रदेश के बहादुर लोग जो दिल्ली के तीन तरफ से घेरे हुए हैं, चाहे आपकी दिल्ली की रैली थी, चाहे आपकी जेल भरो आंदोलन चल रहे हैं, आपने जो अपने शक्ति का प्रदर्शन किया, उससे देश के उन त्याग और हताश लोगों में एक हौसला पैदा हुआ है। और अब उन्होंने मन बढ़ा लिया है इस मौजूदा सरकार का अंत करने के लिए। जो कोई भी जीतने वाला उम्मीदवार दिखाई देगा, उसके पक्ष में वो अपने राय देंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। चरखी दादरी से हमारे संवाददाता प्रदीप साहू फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का बयान सामने आया है कि आने वाले वक्त में हरियाणा में इनेलो बसपा गठबंधन की ही सरकार बननी तय है। बिल्कुल फिल्म, जिस तरह यहाँ पे ओम प्रकाश चौटाला दादरी में पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली थी, इस दौरान उन्होंने ये कहा था कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता के लालच में पार्टी छोड़कर दूसरी जगह चले गए, ऐसे लोगों की इन लोगों में दोबारा एंट्री नहीं होगी। साथ ही वो पूरे चुनावी मूड में भी दिखाई दिया, स्पष्ट रूप से उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी कहा, गठबंधन जो बसपा और इन लोगों के जो गठबंधन के कार्यकर्ता हैं उनको ये कहा कि इस बार इन लोग और बसपा गठबंधन की सरकार बननी तय है, और इसलिए आप घर घर गांव गांव जाकर लोगों को पार्टी के साथ जोड़े। साथ ही उनका ये भी ये कहना था कि कांग्रेस ने साजिश के तहत उन्हें जेल भेजा है, जिस तरह ये कि ये कलंक लगाया नौकरी देने के नाम पर, वो भी कार्यकर्ता इस कलंक को धोने का काम करें। महेंद्रगढ़ में इस तरह का बयान भी इनका सामने आया था कि जो मायावती है वो पीएम बनेगी और मैं खुद सीएम बनूंगा, तो उस बयान को लेकर कितनी चर्चा है, प्रतिक्रिया किन किन लोगों की आ रही है? देखिए, यहाँ पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग के दौरान ओपी चौटाला ने ये यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री मायावती बनेंगे और हरियाणा में इन लोग गठबंधन की सरकार बनेगी और इन लोग का ही यहाँ पे मुख्यमंत्री बनेगा जी। तो इस बयान को लेकर कितनी प्रतिक्रिया विपक्षी पार्टियों की या बाकी पार्टियों की देखने में आ रही है? फिलहाल यहाँ पे जो विपक्षी पार्टियों से इस संबंध में बातचीत नहीं हो पाई है, और जैसे ही इसकी प्रतिक्रिया लेंगे वो बताएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप साहू तमाम जानकारी के लिए।